नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। आज जेजेएन आपको अपनी इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को मिल रहे कुछ फायदे के बारे में बताएगा, जहां आपको बताएंगे कि राज्य में कहां बनाया गया देश का पहला स्पाइस गार्डन, किन अधिकारियों की पदोन्नति पर सीएम धामी ने किए साइन और दुग्ध उत्पादकों को मिली सौगात से लेकर क्यों चर्चाओं में बने उत्तराखंड के आम, राजमा और शहद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली और अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड के रानीखेत में नव निर्मित देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन अस्तित्व में आ गया है। बता दें कि ताड़ीखेत विकास खंड के अंतर्गत सोनी बिनसर के जंगल में देश का अनूठा स्पाइस गार्डन मसाला उद्यान बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक शोध और अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी और पद्मश्री शेखर पाठक द्वारा किया गया। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को मसाला उत्पादन के लिए प्रेरित कर उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इस उद्यान को जहां स्पाइस टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, इन प्रजातियों का संरक्षण कर स्थानीय महिलाओं को इससे जोड़ स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। वर्तमान में यहाँ 27 से 30 प्रकार की मसाला प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इस मसाला गार्डन में कश्मीरी केसर से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में पाए जाने वाले प्रसिद्ध तेजपात, तिमूर और वन हींग जैसे प्रमुख हिमालयी मसालों की प्रजातियां मौजूद हैं। इस दौरान संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि रानीखेत में करीब 4 एकड़ भूमि पर यह उद्यान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जायका के वित्तीय सहयोग से 2 साल में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा यानी PCS के 17 अफसर जल्द भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IAS कैडर में 17 PCS अधिकारियों की पदोन्नति की फाइल को हरी झंडी दिखा दी। CM कार्यालय ने अब तक पदोन्नति की फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी है, जो इस पर कार्यवाही करेगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा अपनी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद भेजी गई सूची में 18 अधिकारियों के नाम थे, लेकिन ये पता चला है कि एक PCS अधिकारी गिरधारी सिंह रावत ने अपने प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में जिन अफसरों ने IAS बनने के लिए इच्छा पत्र दिया है, उनमें मेजर योगेंद्र यादव, उदयराज सिंह, देव कृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे, राजेंद्र कुमार, ललित मोहन रयाल, कमेंद्र सिंह, राजेंद्र यादव, आनंद श्रीवास्तव, हरीश कांडपाल, संजय खेतवाल, नवनीत पांडे, मेहरबान बिष्ट, आलोक पांडे, वंशीधर तिवारी, रुचि मोहन रयाल, झरना कमठान शामिल हैं। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अगस्त को रुद्रपुर स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में आयोजित हुए दुग्ध मूल प्रोत्साहन राशि भुगतान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने DBT के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 22 करोड़ की धनराशि वितरित की। इस कार्यक्रम का आयोजन डेयरी विकास विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों के 26 सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादकों को पुरस्कृत किया गया। इन 26 दुग्ध उत्पादकों में पहले स्थान पर नैनीताल की गंगा देवी रही, जिसके बाद दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर के गुरु उपदेश देव रहे और तीसरे स्थान पर हरपाल कौर को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 3 और 5 दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए 25% की छूट दी जा रही है और आगामी 5 सालों में स्कीम के तहत 5300 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए लगभग 20,000 दुधारू पशुओं की खरीद और उनके पालन का लक्ष्य तय किया गया है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हुए अब तक 600 लाभार्थियों को लाभान्वित कर लगभग 2100 दुधारू पशु खरीदे जा चुके हैं। उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ प्राकृतिक संपदाओं से भी खूब भरा हुआ है। यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं के साथ लीची, आम, शहद और राजमा बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी कड़ी में उत्तराखंड में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में पहचान दिलाने के लिए नई पहल की है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने एपिडा के माध्यम से उत्तराखंड में उत्पादित आम, शहद और राजमा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए भेजे जा रहे वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इसके तहत आम दुबई तो शहद और राजमा अमेरिका भेजा गया है। वहीं 1.5 टन आम, 28 टन राजमा और 80 टन शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए निर्यात किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषि और प्रसंस्कृत
खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए राज्य के जो उत्पाद भेजे जा रहे हैं ये सराहनीय पहल है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम धामी की ओर से शुरू की गई इस पहल से आने वाले समय में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि उत्तराखंड दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्तराखंड का डंका बज रहा है। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर वापस लौटेंगे ऐसी ही रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जे जे न्यूज़।